और 4 दिन के बाद देखा कि यहाँ एक अंडा हैच होके, ये जो अंडा था इसका अंदर से ही बाहर आया है। ये अभी 2-3 घंटा हो रहा है, 6 घंटे के बाद इसको थोड़ा थोड़ा करके हम लोगों को हैंड फीडिंग देना है। तो बहुत ही परफेक्टली ये होम मेड हैंडमेड इनक्यूबेटर एकदम परफेक्टली काम कर रहा है, तभी जाके 4 दिन के बाद छोटा सा बेबी अंडे से बाहर आ पाया। हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं हूँ दीपंकर, ये है सोईकर और हम दोनों करते हैं आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल कैरेट दीपंकर में बहुत बहुत स्वागत। और इससे पिछले वाला वीडियो में जहाँ खत्म हुआ था, तभी हम लोग तैयारी में लगा हुआ था इनक्यूबेटर को कैसे घर में आप तैयार कर सकते हैं, प्रैक्टिकली हम लोग बना के दिखाएंगे। हैचिंग से लेके बच्चे का पूरा मतलब बार्ड चिक्स का पूरा फेदर आने तक मेन जो एक चीज हम लोग को ध्यान रखना पड़ता है टेम्परेचर, और उसके साथ खाना जो हैंड फीडिंग फार्मूला हम लोग फिट कराएंगे। इससे पिछले वाला वीडियो में भाई ने जो हैंड फीडिंग फार्मूला यहाँ तैयार करके मतलब हैंड फीडिंग करा के प्रैक्टिकली मतलब भाई का चैनल में उसका वीडियो भी है कि इसी इनक्यूबेटर में अंडे को रख के हैच कराया और खुद का बनाया हुआ हैंड फीडिंग फार्मूला से हैंड फीडिंग करा के बड़ा किया, और वही दो कॉनियर बार्ड्स पैरट दीपंकर का बार्ड ब्रीडिंग एवियरी में ला के भाई छोड़ा। पिछले वाला वीडियो में मैंने आप लोगों को दिखाया था। और तो भाई आज ज्यादा बात नहीं करेंगे क्योंकि फिर से वीडियो लंबा होगा। भाई आप शुरू करो, अभी से मैं चुप हो जाता हूँ, भाई खाली माइक पकड़ के रखूंगा और भाई काम करेंगे। सबसे पहले मैं शुरू करता हूँ, जो इनक्यूबेटर बनाने के लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा, ऐसे एक बॉक्स लेना है, पहले ऐसे एक बॉक्स लेना है। मतलब ये मारी ब्रिक का बॉक्स नहीं होगा, सब चलेगा, लेकिन ऐसे एक बॉक्स लेना जो इस बॉक्स के लिए जो मेन चीज है हम लोग का टेम्परेचर कंट्रोलर में से। टेम्परेचर कंट्रोलर में ये कहाँ से, ऑनलाइन से मिलेगा? ये ऑनलाइन से मिलेगा, सिर्फ यही एक चीज है जो ऑनलाइन पे आप लोग को मिलेगा, बाकी सारा चीज आपको मार्केट में अवेलेबल है। और उसके बाद ये रहा एक बल्ब, और उसके बाद उसको कनेक्शन करने के लिए कुछ वायर, और यहाँ पंखा सीपीयू मतलब कंप्यूटर का जो पंखा लगा हुआ रहता है वैसे ही एक पंखा फैन, और उसके साथ कुछ फेविक्विक्स, ऐसे एक मेल जैक, और इस बोर्ड को चलाने के लिए एक एडाप्टर, यहाँ एक एडाप्टर, वाओ, और यहाँ एक ब्लैक टेप, और यही बस हो गया। तो अंदर क्या हो रहा है उसको ऑब्जर्व करने के लिए हम लोग एक शीशा यहाँ पे लगाएंगे, ट्रांसपेरेंट शीशा, ताकि बार बार हम लोग को ब्लॉक ओपन नहीं करना पड़े। तो पहले हम लोग यहाँ ऐसे करेंगे, माइक को यहाँ लगा लेते हैं। भाई मैं थोड़ा हेल्प करूँ? हाँ, यहाँ यहाँ से लो, ले लो भाई, सीधा तो हो रहा है ना भाई, जो सबसे एसेंशियल होता है। और मतलब ये तो पूरा के पूरा टेढ़ा हो गया, इसको थोड़ा सा सीधा करना चाहिए था, फिर भी ठीक है। हाँ हो गया, लगभग ठीक ही है। इसमें चिपकाएंगे ऐसे करके, सेलो टेप से चिपकाना है। हो गया, हम लोगों का जहां से देखने का बंदोबस्त करना चाहिए था बन गया, और अभी अंदर का काम है। और अंदर थोड़ा सा ऐसे चिपका दिया ताकि सही हो, और एक्स्ट्रा एक टुकड़ा इसका ऊपर एकदम से माप में, क्योंकि नीचे भी ऐसे ही जॉइंट रहता है तो एयर पास ना हो जाए, इसलिए उसका सही से हम लोगों ने बंदोबस्त कर दिया है। खोल लिया, इसको काट देना है, एक्चुअली स्टीपर का जरूरत था, यहाँ चल जाएगा। हाँ हो गया, एक दो एक कर दिया क्योंकि मेरा सीसीटीवी का बिजनेस था भाई पहले। और ये रहा, अंदर रहेगा शायद ये, और इसको यहाँ क्लिप में थोड़ा सा प्रेस करके हम लोगों को लगा देना है, और ये चला जाएगा बॉक्स का अंदर, मतलब ये टेम्परेचर लेके यहाँ भेजेगा, और यहाँ जो एलईडी डिस्प्ले है यहाँ हम लोग देख पाएंगे कि कितना टेम्परेचर एग्जैक्टली है। और यहाँ जैसे हम लोग सेट करेंगे, यहाँ जो तीनों बटन है यहाँ से हम लोग सेट करेंगे, जिस टेम्परेचर में रखेंगे जब ये इंडिकेट करेगा उससे ज्यादा हो रहा है तो कट कर देगा, और जब ठंडा हो रहा है ये जब इंडिकेट करके यहाँ तक पहुँचाएगा फिर से ये ऑटोमेटिकली बल्ब को और फैन को ऑन कर देगा। कनेक्ट करना है एडाप्टर, हो नहीं रहा था इसलिए पुराना सारे सामान सीसीटीवी का जब मेरा चलता था तभी का कुछ सामान लेके आया। भाई सबसे पहले वही सही होगा कि कनेक्शन कैसे होता है वो थोड़ा आप करके ना प्रैक्टिकली बताइए, उसके बाद आप अपना हिसाब से काम कीजिएगा तो वो सही रहेगा। एक को छोटा करना चाहिए और एक को बड़ा करना चाहिए, ताकि ब्लैक टेप जब लगाएंगे ये यहाँ से मोड़ेगा यहाँ से मोड़ेगा, मतलब दोनों का डिफरेंट रहना सही है, क्योंकि ब्लैक टेप का अंदर से भी अगर थोड़ा सा मतलब यहाँ पॉजिटिव और न्यूट्रल मतलब फेज न्यूट्रल एक हो जाएगा तो प्रॉब्लम हो सकता है, तो इसके लिए थोड़ा सा ऐसे करके, ये इलेक्ट्रिसिटी का मैटर है फिर भी थोड़ा
सा नॉलेज दे दिया। बोट को ऑन करने के लिए ये दोनों, यहाँ कुछ लिखा हुआ है, हाँ ऊपर यहाँ लिखा हुआ 12 वोल्ट पॉजिटिव प्लस, मतलब यहाँ फेज, और ये GND मतलब यहाँ न्यूट्रल कुछ भी है, और रेड कलर का जो वायर होता है ये ज्यादा से ज्यादा फेज, मतलब फेज को हम लोग यहाँ लगाना पड़ेगा राइट साइड पे। ये रहा पॉजिटिव, डाल दिया, दबा के टाइट करो, लूज ना हो जाए, खोल ना जाए। अभी हमको थोड़ा सा देखो हाई प्रेशर दे देते हैं, हाँ मतलब हाँ, तो सबसे पहले एक बार चेक कर लेते हैं, हाँ आ गया लाइट, जल गया, यहाँ हम लोग का LED डिस्प्ले, मतलब ये काम करेगा, काम होने वाला है। और ये रहा सेंसर, ये तो अंदर रहेगा, कितना क्या है, अभी यहाँ का जो टेम्परेचर है 31.2। अभी दूसरा कनेक्शन, और ये तो मैंने जैसे हम लोगों को बताया था कि फैन का वायर यहाँ है, फैन को इसके साथ कनेक्ट करना है। फेज तो हमेशा ज़्यादा से ज़्यादा फेज ही होता है, ब्लैक भी होता है न्यूट्रल, और थ्री फेज में एक RC भी रहता है, फैन का रेड, मतलब यहाँ फेज में हम लोगों को फेज देना है। हो गया, थोड़ा सा आगे पीछे ऐसे रहता तो सही होता है, हाँ बहुत ही अच्छे से इनको टेपिंग ब्लैक टेप लगा लेना है, ताकि दोनों किसी भी कारण के लिए कभी भी ऐड ना हो पाए। ये हो गया न्यूट्रल का, और ये हो गया फेज का, हाँ मैंने जो कर दिया, और ज़्यादा कुछ होने वाला नहीं है, और वायर को थोड़ा सा ऐसे ऐसे कर देंगे तो मजबूत हो जाएगा। हो गया पंखा इसके साथ कनेक्ट हो गया, यहाँ तो दोनों ही रेड कलर का वायर है, ये क्या फेज है क्या न्यूट्रल है पता नहीं, थोड़ा बड़ा चाहिए होगा इसके लिए। रेड और ब्लैक ये दोनों वायर हम लोगों ने ले लिया, यहाँ से पावर आने वाला है। हो गया इसका, हो गया फैन से आया कंट्रोलर में, कंट्रोलर का वायर हम लोगों ने मतलब थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया, थोड़ा सा बढ़ा लिया, तो ये हो गया तैयार, हो गया इसका कनेक्शन रेडी कर लिया, हाँ। होल्डर का भी एक्सटेंड कर लिया, हो गया, चेक करके देख लेते हैं, हाँ बिल्कुल सही है, हाँ इसका भी पहले से थोड़ा सा प्रॉब्लम है, थोड़ा सा ऐसे करके ब्लैक टेप दे के टेम्परेरीली थोड़ा सा ठीक ठाक कर लेते हैं, चल जाएगा काम। लेकिन यहाँ ब्लैक टेप लगाना सही नहीं है, क्योंकि ये मतलब बल्ब जहाँ रहेगा यहाँ थोड़ा तो हीट होगा, मतलब ये परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। और अभी हो गया भाई इसका भी, दादा ने तो बहुत जल्दी इसको कंप्लीट कर दिया, मैं तो मेरा बनाते बनाते लगभग 3-4 घंटे टाइम लग गए वायरिंग करने तो नहीं, आपका हेल्प है भाई मैं क्या हूँ, हमको तो पता ही नहीं था इसके बारे में, इसको चला के एक बार देख लेते हैं। अच्छा ठीक है ठीक है, हाँ बल्ब को लगा देते, और सही से कनेक्ट हुआ है कि नहीं वो पहले एक बार चेक करके देखेंगे। ठीक है ऐसे ही नीचे रखना है भाई, अभी पावर ऑन करो, बल्ब को ऐसे पकड़ के रखता हूँ, नहीं भाई ये टूटा फूटा है, अगर करंट मार दिया तो दिक्कत हो जाएगा। चालू हो जा भाई, चालू हो जा, फैन को यहाँ रखता हूँ, ठीक है, हाँ बोर्ड में तो इलेक्ट्रिसिटी आ गया है, लेकिन पावर तो ऑन कर दिया, स्विच सब दबा दिया, यहाँ भी बोर्ड में लाइट आ गया, लेकिन लाइट क्यों, हाँ भाई लगता है सेटिंग करना पड़ेगा, वो बाय डिफॉल्ट जो रहता है, हाँ वो सेट हम नहीं किए थे, हाँ ऑन हो गया, ये जो लाइट था ये पहले ऑन नहीं था, ये वाला जो लाइट था अभी ऑन हो गया। अभी टेम्परेचर जहाँ रखना है, छोटे भाई कैसे सेटअप कैसे करना है भाई, 8 डिवाइसों को सेट करना पड़ता है, तभी ये चालू होगा, बल्ब और फैन जो है वो तभी प्रॉपरली वर्क करेगा। अच्छा अच्छा अच्छा, तो मोड आपको दिखा देता हूँ, क्लॉक की तरह आपको, हाँ P0 से स्टार्ट होता है, फर्स्ट मोड है P0, फर्स्ट मोड है P0, अच्छा P0 में आपको रखना है, P0 का सेटिंग देगा, P0 में रखना है हीटिंग, क्योंकि अच्छा। आपको हीट बल्ब को हीट कराना, इसमें कूलिंग भी रहेगा, देखिए कूलिंग, सी मतलब कूलिंग, एच मतलब हीटिंग, इसमें आपको हीटिंग रखना है, तभी अच्छा। बल्ब जलेगा, कूलिंग करेगा तो बल्ब नहीं जलेगा। अच्छा पहला प्रोसेस, पहला मोड, उसके बाद P1 आएगा, देखिए P1 को प्रेस करेंगे तो ये 0.5, इसमें मैंने सेट किया है कि 37.5 में मैंने हैचिंग टेम्परेचर सेट किया था,
उससे 0.5 डिग्री कम होगा तो ये फिर से ऑन हो जाएगा, रिकनेक्ट बल्ब और फैन। ये इसका बीच का जो डिफरेंस है गैप का, वो चीज है 0.5 से, मतलब जो हम सेट करेंगे उससे 0.5 कम होगा मतलब ऑन हो जाएगा ऑटोमेटिकली, और 0.5 ज्यादा होगा तो कट हो जाएगा। समझ गया, ठीक है। आया P2 का कनेक्शन देख लेते हैं। ये 110 110 रहेगा, P2 का कनेक्शन रहेगा 110 डिफॉल्ट सेटिंग, डिफॉल्ट सेटिंग बाय डिफॉल्ट आता है P2 में, ठीक है। अच्छा, उसके बाद P3 में देख लेते हैं। ये दादा -45 है, इसको हमको -50 में करना, -50 में करना पड़ता है, -50 में सेट करना पड़ेगा। ये देखो -50 में इसको सेट, उसके बाद वो दबाने से ओके हो जाएगा। सेट बटन, ये सेट बटन, सेट बटन, ये सेट देखो दबाइए। P3 में हम लोग किए 50, -50 P3 का सेटिंग है बाय डिफॉल्ट। अच्छा अच्छा, ठीक है। उसके बाद P4 इसको देख लेते हैं, 0.0 रहेगा बाय डिफॉल्ट, बाय डिफॉल्ट, बाय डिफॉल्ट 0.0 रहेगा। उसके बाद आएगा P5, ये भी 0.0 और इसका सेटिंग हम लोग को मोड जो है P5 तक ही वर्क करता है, P7 P6 P7 और P8 कोई काम का चीज नहीं, काम नहीं। अच्छा, और तो टेम्परेचर कैसे सेट करेंगे? टेम्परेचर सेट हो गया पहले, ये तो मतलब कटआउट जहाँ होगा 30, आपने जैसे बताया 37.5, वो कैसे सेट करेंगे? हाँ, वो भी सेट करके देगा 37.5। पहला सेट बटन को सिर्फ एक बार प्रेस करना। अच्छा, मतलब नॉर्मल जो मूड रहेगा, नॉर्मल टेम्परेचर के मूड में जाके वहाँ से सेट बटन दबाना है, एक बार खाली दबाना है। अच्छा, ब्लिंक होना स्टार्ट हो जाएगा, ब्लिंक करेगा। अच्छा, एक बार दबाने से ब्लिंक होना स्टार्ट हो जाएगा। देखिए प्लस और माइनस, ब्लिंक में दिखा रहा क्या 37.5, यानी कि जो मैंने सेट किया था वही टेम्परेचर दिखा रहा है। इसका कम आगे पीछे कर सकते हैं। अच्छा, एक बार आगे पीछे करके दिखाता हूं, ये देखिए 37.4। अच्छा ठीक है, समझ गया, ठीक है। इसको 37.5 के करके एक बार सेट बटन दबा देना, हो गया आपका, फिर से वो रूम टेम्परेचर में आ गया। आप जब भी 37.5 जगह ऑटो कट होगा, एक बार फिर से दिखा दो। हाँ हाँ, और एक जैसे 31.4 अभी यहाँ का रूम टेम्परेचर है, ठीक है। जो टेम्परेचर आपको सेट करना है, सेट करना है, उसको लिए आपको ये सेट बटन के लिए एक बार प्रेस करना पड़ेगा। देखिए ब्लिंक स्टार्ट हो गया। हाँ, ब्लिंक स्टार्ट हो गया। इसको ये ब्लिंक में दिखा रहा 37.5 जो मैंने टेम्परेचर सेट किया था, सेट किया था, ठीक है। वो आप घटा भी सकते हैं, देखिए 37.5 में आ जाएगा, लेकिन ये 37.5 में सेट हो जाएगा, सेट हो जाएगा। और पहले वाला मतलब 0.5 में जो सेट किया था P0 में, तो मतलब 37.5 से थोड़ा मतलब फाइन ज्यादा होगा, 0.5 घटेगा तो बल्ब ऑफ हो जाएगा, 0.5 बढ़ेगा। टाइमिंग है आपका, समझ गया पूरा के पूरा समझ गया। और उम्मीद करता हूँ आप सभी, मतलब मैं थोड़ा लेट में समझता हूँ इसलिए हमको समझाया, मतलब आप सभी समझ गए होंगे। ओ तो सही हो गया। अभी जो दिखा रहा है ये नॉर्मल रूम टेम्परेचर, फिर से आप ब्लिंक करेंगे तो आपका सेट किया हुआ टेम्परेचर शो करेगा। ओ जब ब्लिंक, हाँ, कितने में सेट किया है, बढ़ा भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं। समझ गया। अभी एक बार के लिए प्रेस करिए, देखिए रूम टेम्परेचर में आ गया, मतलब 37 में हम लोगों का फिक्स हो गया। अब इसको देख लेते हैं कि ये वर्क कर रहा है, ऑन ऑफ हो रहा है या नहीं उस टेम्परेचर में। हो गया, फैन भी ऑन हो गया, पंखा भी ऑन हो गया। मतलब एक चीज मैंने जो समझा कि पहले इसको सेट करना है, नहीं तो ऐसे करके सब पावर के लाइन देने के बाद भी ऑन, पंखा और लाइट ऑन नहीं होगा। यहाँ बगल में जो छोटा सा एक लाइट है, मतलब आप सेट करने के बाद ही ऑन हुआ है। ये जो छोटा सा लाइट है ना, पहले तो यहाँ LED लाइट आ जाएगा, ऊपर डिस्प्ले का लाइट आ जाएगा, लेकिन ये लाइट नहीं ऑन होगा। आप जब सेट करेंगे तभी जाके आपका हिसाब से आप सेट कीजिए, लेकिन सेट होने के बाद ही ये लाइट ऑन होगा और उसके बाद प्रॉपरली ये वर्क करेगा। अभी पूरा कनेक्शन एक बार बिछा के हम लोगों को दिखा दो कि कैसे कहाँ से क्या किया। और तो ये है बोर्ड, और ये है एक कंट्रोलर, ये है फैन, और ये है लाइट बल्ब का एडाप्टर, और ये है एक पावर के लिए ऐसे। और यहाँ मतलब ये जो पॉइंट है ये सेंसर है, मतलब टेम्परेचर कितना है वो बताने के लिए, यहाँ भेजने के लिए इसका जरूरत है। तो इसको पहले हम लोगों ने यहाँ सेट किया, यहाँ डिस्प्ले है, बटन दबा दबा के हम लोगों को सेट करना है। और यहाँ चार पोर्ट है, ठीक है, ठीक से समझना है, चार पोर्ट है। लिखा हुआ है प्लस 12 वोल्ट और GND। इस दोनों में मेन जो एडाप्टर, ये जो पावर एडाप्टर है, इन दोनों यहाँ में आएगा, मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव। राइट साइड का प्लस 12V जहाँ लिखा है, ये फेज, ये थोड़ा सा खुल गया है तो लगाना है। प्लस 12 वोल्ट जहाँ लिखा है, फेज यहाँ आएगा और न्यूट्रल इसमें आएगा।
एक दो तो हो गया, इस साइड से पकड़ेंगे हम लोग 1-2 न्यूट्रल फेज मेन एडाप्टर का। उसके बाद जो है तीन नंबर पोर्ट से जो है ये कनेक्शन यहाँ से आके डायरेक्टली जो पावर देंगे हम बोर्ड में, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में, वहाँ तक आएगा, ठीक है। तीन नंबर से जो वायर निकल के आएगा वो ऐसे इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का फेज में, ठीक है, वो यहाँ तक आ जाएगा। मैंने एक्सटेंड करने के लिए इसके साथ ये ज्वाइंट किया तो यहाँ तक आ जाएगा, ठीक है। और नंबर फोर में मतलब कंट्रोल होगा, तो यहाँ से हम लोगों को समझना है यहाँ दो वायर आने वाला है, एक है फैन का एक है लाइट का। तो यह इस साइड से पॉजिटिव न्यूट्रल, उसके बाद मिडिल में जो है तीन नंबर में जो है ये जाएगा डायरेक्टली पावर जहाँ हम लोग इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में लगाएंगे। और बाकी का रहा चार नंबर, यहाँ चार नंबर से जो दो तार निकले हैं, एक ये जो रेड वाला है ये कहाँ गया है, ये गया है ये जो कंट्रोलर है इसके साथ यहाँ जुड़ गया है, ठीक है। तो कंट्रोलर के साथ मतलब चार नंबर से जो निकल के आया यहाँ से आके ये जो कंट्रोलर है इसके साथ ऐड हो गया। और दूसरा जो है ये गया कंट्रोलर, मतलब ये जो फैन है, फैन तो कंट्रोल होगा कंट्रोलर से, तो हम लोग कह सकते हैं यहाँ से जो दो आ रहा है एक फैन के लिए एक बल्ब के लिए लाइट के लिए, मतलब ये तो पावर आ गया। और ये सब मेन पावर यहाँ मतलब मेन पावर कट होगा इसीलिए यहाँ लगाया गया है, और बाकी का इन दोनों के लिए, मतलब ये वहाँ बोर्ड में डिडाइड करेगा कि यहाँ कट करना है, ये कट कर देगा तो ये और फैन दोनों बल्ब और फैन दोनों बंद हो जाएगा। तो एकदम सिंपल सा है, ऐसे करके आपको सेट कर लेना है और उसके बाद यहाँ हम लोगों को सही से लगाना है। भाई अभी यहाँ थोड़ा सा सेट करके दिखा दीजिए। हाँ सेंसर, हाँ ये रहा सेंसर। अभी रूम टेम्परेचर है, मतलब यहाँ का जो टेम्परेचर है 31.4 और हम लोगों ने सेट किया है 37.5 में, ज़्यादा हो रहा है 32, थोड़ा वक्त तो लगेगा, 33 हो गया, 34, 35, 36, 37 हो गया कटआउट ऑटोमेटिकली। देखिए सॉरी, यहाँ फैन और ये लाइट का बंद हो गया। और अभी जब देखिए यहाँ ठंडा हो जाएगा 37.5 के नीचे आ जाएगा ऑटोमेटिकली, फिर से ये ऑन हो जाएगा लाइट और पंखा। थर्टी सेवन में आया तो ऑन हो गया, फिर पॉइंट फाइव पड़ेगा, पॉइंट फाइव को इसमें गैप में दिया था टाइम के लिए। ओ पॉइंट फाइव जो था वो, अच्छा अच्छा समझ गया, मैं सोच रहा था कि 37.5 हो गया फिर क्यों नहीं आ रहा है, लेकिन वो 0.5 जो सेट करके रखे, टेम्परेचर रहेगा 37.5 लेकिन ऑन ऑफ जो होने वाला है, जो काम होने वाला है वो 0.5 का प्लस और माइनस करके ही पकड़ना है, तभी जाके ऑन ऑफ होगा। काम कर रहा है, बहुत सही तरीके से काम कर रहा है। कितना कितना प्राइस आता है इसका, टोटल प्राइस, टोटल कॉस्टिंग कितना? टोटल कॉस्टिंग अभी 600 का है। 600 मतलब इसका दाम है 399। ग्लास को ले, हाँ ये तो फ्री में मिल जाता है कभी कभी, दुकान में जाके हम लोग मांगेंगे तो मिलने टोटल कॉस्टिंग है 600 में। इनक्यूबेटर अनबिलीवेबल, और क्या कहूँ, सच में हमको भी पसंद आ रहा है, मैं भी खुद कुछ अंडे को देके हैच कराने का कोशिश करूंगा और देखूंगा, मेरा गारंटी है, सच में बहुत अच्छा। तो भाई अभी इसको एकदम हाँ सेट करके एकदम कम्प्लीटली तैयार करके सारे व्यूअर्स को एक बार दिखाना पसंद करूंगा। भाई अभी इसको बंद कर दीजिए। हो गया, साइड से पकड़ के कैब यहाँ से लगा दिया, ब्लैक के यहाँ से ऐसे करके लगा देंगे। हो गया, और यहाँ अंदर ऐसे करके बल्ब भी लगा देंगे। हो गया बल्ब फिटिंग। दूसरा फैन को मैंने देखा आपने यहाँ ऊपर सेट किया, बिल्कुल बल्ब का साइड साइड में अगर फैन रहेगा तो यहाँ का जो टेप जो हीट जनरेट होगा वो स्प्रेड हो जाएगा। तो ऐसे दो GI रेडी कर लिया है, छोटा सा होल बना लेते हैं, एक यहाँ, यहाँ एक और यहाँ एक, फैन दो थोड़ा सा यहाँ से ऐसे लिया। हो गया, तो पंखा भी हम लोगों का सेट हो गया है। जब ऐसे बंद होगा तो ऐसे रहेगा, तो यहाँ से मतलब हवा आके यहाँ से जो हीट जनरेट होगा पूरा 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 चला जाएगा। और इसको यहाँ से ले आके सेट कर देंगे ऐसे यहाँ, हाँ ऐसे एक छोटा सा काट के, इसके बाद यहाँ फेविक्विक का एक ज़रूरत होगा। अभी इसको यहाँ थोड़ा सा ऐसे लगाया और कहाँ यहाँ, ओके डन, चिपका दिया। क्विक क्विक काम करने के लिए फेविक्विक का इस्तेमाल किया, हो गया।
इसका ढक्कन कहाँ? हाँ, थोड़ा बड़ा रहने से अच्छा होगा, लेकिन इसको चिपकाना सही रहेगा कि नहीं, यहाँ थोड़ा सोच समझ के हम लोगों को फेविक्विक डालना पड़ेगा। ठीक है भाई, पकड़ो, क्योंकि ये बोर्ड है, यहाँ छोटा छोटा सारे सर्किट्स है, फिर भी यहाँ रह जाएगा शायद। हाँ, पूरा का पूरा हो गया, और इसको यहाँ चिपकाना है, तो यहाँ फिर से क्या ख़त्म लगा दो भाई, जल्दी जल्दी, क्योंकि इसका नाम है फेविक्विक, काम भी करना होगा क्विक क्विक। हो गया सेटिंग, ध्यान से कोई करेंगे तो 30-45 मिनट्स का काम है, और बन जाएगा हम लोगों का इनक्यूबेटर, ज़्यादा से ज़्यादा एक घंटा। और एक काम बाकी रहेगा छोटा सा। हाँ, ओ इसको यहाँ अंदर एक छेद कर लेते हैं, वो सही रहेगा। हाँ, यहाँ से इसको टेपिंग कर देना। ओके ओके ओके, इसको यहाँ ऐसे टेपिंग करके लगा दे। कंप्लीट हो गया हम लोग का इनक्यूबेटर, अभी यहाँ होम मेड इनक्यूबेटर हम लोगों का तैयार हो गया है, और अभी इसको ऑन करके देखेंगे सही से काम हो रहा है कि नहीं। चलो ऑन करो, सब देखते हैं सब सही से होता है कि नहीं। वाओ, हो गया ऑन, फैन भी ऑन हो गया, ये भी हो गया, और अभी बाहर का देखेंगे कि टेम्परेचर वगैरह सब कुछ सही से कंट्रोल हो रहा है कि नहीं। यहाँ से देखिए बहुत खूबसूरत लग रहा है, अंदर पूरा क्लियरली हम लोग देख पा रहे हैं कि अंदर क्या हो रहा है। दिन में 4 बार करके सारे अंडे को हम लोगों को रोट करना है, 3 से 4 बार 24 घंटे में 3 से 4 बार। हाँ, और अभी यहाँ 32 मतलब अंदर का टेम्परेचर कितना है वही शो करेगा, और 37.5 से जब ज़्यादा होगा तब यहाँ से मतलब ये ऑटोमेटिक कटआउट कर देगा, लाइट फैन सब कुछ बंद हो जाएगा, और 37.5 का जब कम हो जाएगा तभी फिर से ये लाइट और फैन ऑन हो जाएगा। लेकिन 0.5 जो ज़्यादा करके आपने प्रेस करके रखे है, इसलिए 37.5 उसके साथ प्लस 0.5 प्लस करके जो होता है कट आउट हो जाएगा, और फिर से ऑन होगा 37.0 से ऑन, 0 से ही ऑन हो जाएगा, क्योंकि 37.5 मैंने डिस्टेंस सेट किया था। ओके 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 ओके, तो यहाँ 35 हो चुका है। अभी यहाँ लाइट देखिए ऑटोमेटिकली बंद होगा भाई, छोड़ दो। हाँ, बहुत बहुत टेम्परेचर, ऊपर तो पंखा चल रहा है, इसको थोड़ा सा यहाँ रख देते हैं भाई, 37.1234 अभी कट आउट होने वाला है। यहाँ लाइट देखिए, ये शायद बंद होगा। हाँ, हो गया बंद। वाओ, अभी हाँ अभी फिर से ऑन होने वाला, टेम्परेचर पकड़ के रखे, थोड़ा सा हल्का कर देते हैं। हाँ, अभी ऑन होने वाला है, हो गया ऑन फिर से हो गया ऑन, पंखा भी चालू, लाइट भी ऑन। वाओ, सच में ये काम कर रहा है, जो टेम्परेचर हम लोग यहाँ सेट करेंगे उसी टेम्परेचर यहाँ रहेगा, मतलब बॉक्स का ये ढक्कन जब बंद रहेगा तभी उतना जल्दी जल्दी ऑफ ऑन नहीं होगा, क्योंकि एक बार काट आउट होने के बाद वो बहुत थोड़ी देर तक टेम्परेचर को पकड़ के रखने का, एक मिनट में वाच किया है। हाँ, और एक बार देख लेते हैं, 36.54, और सोईकोत भाई का जो यूट्यूब चैनल है बासोना बार से भी, यही चैनल में जाइए। हाँ, ये भी कट आउट हो गया, और ये जो हैंड फीडिंग फार्मूला बनाया सईकत भाई ने अपना हाथों से, मतलब ये तो हम लोगों ने सिर्फ बताया आप लोगों को, और भाई का चैनल में आपको प्रैक्टिकली मिल जाएगा कि कौन कौन सा इंग्रेडिएंट्स दे के इस हैंड फीडिंग फार्मूला को बनाया है। और अभी कट आउट हो गया है, फिर से 37 में आएगा तो तभी शायद ऑन हो जाएगा। हाँ, लेकिन अभी अंदर तो टेम्परेचर पकड़ के रखे है, थोड़ा सा इसको खोल दो या तो मतलब, हाँ ऑटोमेटिकली फिर से ऑन हो गया। वाओ, सक्सेसफुली हम लोगों ने बना लिया है, और तो आज का वीडियो यहीं ख़त्म करेंगे। उम्मीद करते हैं इस वीडियो से आप लोगों को थोड़ा सा शायद नॉलेज मिला होगा, अगर नॉलेज मिला है ऐसे आप लोगों को लगता है तो इस वीडियो को एक जरूर लाइक कर दीजिएगा, और अपने दूसरे फ्रेंड्स है उन लोगों में शेयर भी कर दीजिएगा, और आप मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, सब्सक्राइब करने के बाद देखिएगा उसका बगल में एक बेल आइकन भी अपीयर हो जाएगा, वहाँ भी दबा दीजिएगा, और साथ में सोईकोत भाई का चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नाम बताइए, बासोना बर्ड्स एविएरी। 600 में आपको इनक्यूबेटर मिल सकता है, तो क्यों नहीं सब्सक्राइब करेंगे ऐसे नॉलेज के लिए, तो ज़रूर जाइए बासोना बर्ड्स एविएरी में, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और कुछ नहीं कहूँगा, तभी से बहुत बकबक किया, सॉरी, माफ़ी चाहता हूँ। तो आज का वीडियो यही ख़त्म होता है, फिर मिलेंगे किसी नया वीडियो नया टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स। और 4 दिन के बाद देखा कि यहाँ एक अंडा हैच होके एक बजीज का चिक बाहर आया है,
और सच में ये जो अंडा था ये टूट के इसका अंदर से ही ये नया छोटा सा एक बेबी बाहर आया है। ये अभी 2-3 घंटा हो रहा है, 6 घंटे के बाद इसको थोड़ा थोड़ा करके हम लोगों को हैंड फीडिंग देना है। वाओ कितना खूबसूरत है, परफेक्टली ये सब कुछ काम कर रहा है, सब कुछ ठीक ठाक से चल रहा है, तभी जाके 4 दिन के बाद ये नया चीक अंडे का अंदर से बाहर आ पाया। और अभी यहाँ जो हैंड फीडिंग फार्मूला स्वीकृत भाई ने बनाया, ये भी हैंडमेड हैंड फीडिंग फार्मूला है, तो इससे ही ये बजीस का चीक को हैंड फीड कराएंगे। और इसके बाद क्या होता है इनका, धीरे धीरे इसका बड़ा होने का प्रोग्रेस भी आप लोगों के साथ वीडियो में शेयर करते रहेंगे। और बाकी का 3 अंडा अभी तक है, शायद ये भी 1 या 2 दिन के अंदर यहाँ से भी नया चिक बाहर आएगा।